सच सच बता, तू शादी से खुश है ना? मैं ज्यादा खुश तब होंगी जब आप भी शादी कर लोगे। हाँ, मेरी भी शादी हो जाएगी, मेरा टाइम आएगा। अच्छा सुरेश, अब जल्दी से जाके तुम लोग हाथ मुंह धोओ, सब साथ में ही खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, माँ और रचना का सामान कहाँ पर है? आंटी जी और रचना तो यहाँ रुकेंगे ना। यहाँ? ये घर नहीं है क्या? अरे प्रक्रिया, प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए आंटी जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, अपनों के लिए कैसी प्रॉब्लम, मैरिज हॉल भी तो यहाँ है ना, तो आसान होगा मैनेज करना। ऐसे थोड़ी। अरे हाँ दीदी, बोल रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंटी और रचना यहीं रहेंगे। जाओ जाके हाथ मुंह धोकर आओ, जाओ। भाई आज मौका मत छोड़, जाके बोल दे बुलबुल को सब, आज सबके सामने। तभी तो कह रहा हूँ अच्छा मौका है, दोनों की फैमिलीज भी आई हुई हैं। भाई तूने सुना नहीं बुलबुल का प्लान था सारा? यार वो खातिरदारी करना चाहती थी अपनी सासू माँ की, और कितने इशारे चाहिए तेरे को? चाहता है वो भी वही चाहती है सच में। हाँ मेरे बाप, जाके बोल दे दिल की बात। फिर टाइम पास कर रही है ना, फोन पर लगी हुई है, तुझे कुछ काम दिया था ना? अच्छा खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। एक काम कर, तू फटाफट डाल ले वो किचन की ना राइट साइड पर बाथरूम में, तेरा तौलिया भी वहीं रख दिया। अरे मैं आपकी मदद करती हूँ ना। शाबाश, चलिए आप ना फटाफट अपना सब। सरला जी, आप लोगों को हमारे वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये आपका अपना ही घर है। और हाँ, ये कपड़े जमाने में ना मैं आपकी मदद करती थी, पहले ना मैं बीजी के लिए कपड़े। मैं हेल्प कर दूं बड़ी माँ। मेरा बच्चा बीजी के साथ ही प्यार करती रहेगी या मेरे पास भी आएगी? ये ना पूर्वी है, हमारी जानकी की बेटी, मेरी भी बेटी जैसी है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। लो, इनकी तो बातें ही खत्म। अरे माधवी, कुछ चाय कॉफी लोगी और क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं ज्यादा चाय नहीं पीती। अरे वाह कमाल हो गया भाई, तुम तो अपनी कैटेगरी की बिकनी। आओ आओ इधर आओ। अरे जानकी, जरा वो मेरा वाला कफ सिरप लाना, एक ग्लास मेरे लिए, एक ग्लास इनके लिए। पीछी? मुझे खांसी नहीं है। ये वो ऑर्डिनरी कफ सिरप नहीं, स्पेशल है, एक ले लो तो बस नींद बड़े मजे की आती। आप आइए आइए बीजी, ये वो नहीं पीती है, आप आइए। पूर्वी, सुरेश तो हमेशा आप लोगों की बातें करता रहता है, कहता है माँ मेरे दो परिवार है, एक गांव वाला तो एक मुंबई वाला। सुरेश तो है ही हमारे परिवार का हिस्सा, एकदम बेटी जैसा। तो फिर आप ही बताइए ना, आपकी नजर में है कोई अच्छी सी लड़की उसके लिए? देख, अगर तूने जाकर बुलबुल को नहीं बोला ना, तो मैं जाकर तेरी मम्मी को बोल दूंगा कि आंटी जी, इसने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। पागल हो गया? अबे पागल तो तू है भाई, जो प्यार तो करता लेकिन बोलने में तेरी। भाई जाना बोलना उसको। मेरे से नहीं हो रहा। तो बैठा रहे यहाँ, पकाता रहे ख्याली पुलाव। मुझे तो लगता था कि मैं कोई ख्याली पुलाव पका रही हूँ, लेकिन यहाँ कर देखा मैं एक ही नजर में सब कुछ समझ गई। क्या? मेरा सुरेश आपकी प्रज्ञा को बहुत पसंद करता है, आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन लेकिन क्या, आपने अभी तक बात आगे नहीं बढ़ाई। दोनों को शर्माने से फुर्सत मिले तब ना। इसमें शर्माने की क्या बात है, दोनों अच्छे दोस्त है, एक दूसरे से बोल दे बस। एक काम कर, ये रेड रोज ले और दे दे उसको।
एक बार हिम्मत करके अगर उसने प्रज्ञा से अपने दिल की बात कर ली ना, तो मैं जानती हूँ प्रज्ञा ने यूं मान जाना है। रेड रोज देने का मतलब जानते हो? हाँ। तुम मुझे रोज दोगे? इतने खर्च आ गए तुम्हें? सुरेश, तुम्हें लगा ना कि प्रज्ञा दी किचन में अकेली होगी और तुम चुपके से आके उसे प्रपोज कर दोगी रेड रोज देके, है ना? और किसी को पता भी नहीं चलेगा। Am I right? बुलबुल, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। अरे यार, तुम लाइफ में इतना घबराते क्यों? इट्स ओके, प्यास मत। एक मिनट दी, सुरेश तेरे लिए रोज लेकर आया। सोचा था कि तू किचन में अकेली होगी और चुपके से तुझे प्रपोज कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो मैं मिल गई और मुझे रोज दे दिया। यू गाइस कंटिन्यू, शर्माना घबराना, प्लीज प्लीज कैरी ऑन कीजिए, ठीक है? मैं अभी आई। अब ऑल द बेस्ट। ये बुलबुल कुछ भी बोलती है। बुलबुल कुछ भी बोलती है। ये गुलाब वाकई मेरे लिए लाए थे? हाँ। किसलिए? वो तुमने अम्मा और बच्चों का कितना अच्छे से ख्याल रखा है ना? थैंक्स। थैंक्स। रचना की शादी में मौका मिलते ही हमें सुरेश और प्रज्ञा की बात पक्की कर देनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो आंटी आप? सही कहा आपने, जल्द से जल्द ना सुरेश की प्रज्ञा के साथ शादी करा दीजिए। आपको पता है सुरेश ने प्रज्ञा दी को एक रोज दिया? सुरेश ने प्रज्ञा को रेड रोज? मामा, मैं ना अभी प्रज्ञा से मिलकर आती हूं। अरे माँ, इतने सालों बाद कुछ हुआ है, अकेले में थोड़ा टाइम तो स्पेंड करने दो। अरे ओ बेवकूफो, मेरी बात सुनो, उन दोनों को इंग्लिश फिल्म दिखाओ। तुम्हारे दादाजी ने भी मुझे इंग्लिश फिल्म दिखा के प्रपोज किया था। आप ना इसके बीच में सलाह ना ही दो तो अच्छा है। जानकी, तू एक काम कर, तू बीजी के लिए ना डबल वाला कफ सिरप लेकर। हाँ ठीक है, कफ सिरप पी के मैं फिट हो जाऊंगी और तुम इन दोनों को फिट कर देना। उन्हें लेके आई। जा जा जल्दी जा जानकी। इसका मतलब हम सब सही समझ रहे हैं, सुरेश और प्रज्ञा सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे अरे, ये देखो न्यूज अपडेट में क्या आ रहा है, अभी के घर में शादी। क्या? कहीं वो शादी तो नहीं कर रहा? अभी की शादी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं उसके घर से लाइव दिखा रहे। चलो जल्दी टीवी देखो, ऑन करते। I love my brother and we're gonna rock his roka tonight. All right, thank you. Thank God, दादी आपने तो हमें डराई दिया था। शादी अभी की नहीं, किसी और की हो रही है। हाँ, वो आकाश है, ब्लू कलर की शेरवानी में, अभी का कजिन। ओ, रचना तो हमारे जैसे अभी के डाई हार्ट फैन निकली दादी। पर आपको पता आकाश शादी किससे कर रहा है? किससे? करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी है। अपने भाई की शादी में इतना कर रहा है, तू अपनी शादी में कितना करेगा? सर, अब तक आप कहाँ थे? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आकाश का रोका नहीं, आपका है। इसलिए मैं लेट आया, क्योंकि आज आकाश का दिन है, मैं उसे इम्पोर्टेंस नहीं छीनना चाहता। चलो, तो फैमिली फंक्शंस पे तो आ जाएगा टाइम पे। मिस्टर कपूर। हेलो हेलो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिसेस कपूर। हेलो, माय नेफ्यू रवि। हाँ भाई, रॉकस्टार को कौन नहीं जानता, हमारे देश का सुपरस्टार जो है। यस ऑफ कोर्स। अरे मंगेतर से तो मिला दो आकाश की। सुप्रीति, कितने जा रहे हैं? अरे ताऊ जी,
अभी कॉन्सर्ट से आया, कपड़े वपड़े चेंज करके आता होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन छेती लेके आई। अच्छा हो गया तू आ गया, मुझे पता था तू नीचे कुछ भी नहीं खाएगा, इसीलिए मैंने तेरा खाना यही मंगवा लिया। That's why I love you so much, दादी। बस love you बोलता रहता है, करता वरता नहीं है तू। आप ऐसा क्यों कह रही है? मेरा कहना मानता तो शादी ना कर लेता। आप अगर फिर से शुरू होंगी ना तो मैं खाना छोड़ूंगा। सुनना पड़ेगा, जब मैं नहीं रहूंगी तेरा ध्यान कौन रखेगा? लोग कहते हैं कि इंसान आता अकेला है और जाता भी अकेला है, लेकिन इस बीच का जो रास्ता होता है ना, उसमें एक साथी की जरूरत होती है। इंसान का वक्त कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। बदलाव ही दुनिया का नियम है। दुनिया में हर चीज बदलती है, वक्त, लोग, मौसम, पर इन सब में जो कभी नहीं बदलता, जो हमेशा तेरा साथ देता है, जो तेरे भाग्य से जुड़ा होता है, जो वक्त के हर ठोकर में तेरा साथ देता है, तुझे उसकी जरूरत है। तुझे एक ऐसी लड़की चाहिए। अरे दादी, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि ये शादी वादी करने से कोई साथ नहीं देता दादी। आजकल शादियां भी ना एक्सपायरी डेट के साथ आती है, बेस्ट बिफोर 2 months 3 months। पता है दादी, आजकल शादियों पर मेड इन चाइना का बोर्ड लग गया है। आजकल सारी शादियां मेड इन चाइना है। क्या है भाई खाने में? अरहर की दाल। वाह दादी, मजा आ गया। नाटक क्या करे, खाना है तू खा लेना, मैं खा लू। कितना कुछ बदल गया, तुम लोगों का प्यार नहीं बदला। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी तुम एक ही थाली में खाना खाते थे, अब हमारे पास सब कुछ है तो भी एक ही थाली में खाना खाते हो। पूरा तू ही इसे समझाना, अरे तेरी शादी हो जाएगी तो ये अकेला रह जाएगा। दादी, जिसके पास पैसे होते हैं ना, दुनिया उसे कभी अकेले नहीं छोड़ती। और जब पैसा नहीं रहेगा तब? ऐसा दिन ना आए इसलिए इतना ज्यादा पैसा कमाता मैं। ये रचना है ना, ये पहले बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। ऐसी नहीं थी, ऐसी नहीं थी मतलब? मतलब जो अरेंज मैरिज कर ले। पता है उसके आगे पीछे बहुत सारे लड़के घूमते थे, हम परेशान हो जाते थे, एकदम बुलबुली सी थी, बिल्कुल बुलबुल जैसी। और आज ऐसे अरेंज मैरिज के लिए तैयार हो गई। लोग बदल जाते हैं ना सुरेश, शायद रच्चू को अपने मन का जीवन साथी ना मिला। और वैसे भी अब तो मैं भी अरेंज मैरिज नहीं करने वाली। मतलब मुझे पहले लगता था कि अगर सोच मिल जाए तो दिल अपने आप मिल जाते हैं, लेकिन नहीं, अब मैं उससे शादी करूंगी जिससे मेरा दिल मिलेगा, जिससे मुझे प्यार होगा। कोई मिल गया क्या तुम्हें? तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या? हाँ, तुम्हें कोई पसंद है? हाँ। नाम बताओ। पहले तुम बताओ। मैं तब बताऊंगी जब मैं रेडी होंगी। मैं भी जब रेडी होऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की है। क्या? प्यार बहुत अच्छी चीज होती है। दादी, ये प्यार से ज्यादा बकवास चीज कोई नहीं होती। ये वो धोखा है जिसे मैं अपने गाने में डालकर पैसे कमाता हूँ। जैसे वो गाने में डाल दिया हैप्पी लवर, गाना हो गया सुपर डुपर हिट। दादी, हमारा एक कमरे वाला घर याद है कि नहीं? याद है, याद है। तो उस एक कमरे वाले घर से इस मैंशन में हम प्यार की वजह से नहीं आए, तो पैसों की वजह से। इसका मतलब तू मुझे भी प्यार नहीं करता, क्योंकि पैसा तो है नहीं है ना मेरे पास। करेक्ट है? दादी, जब से लाइफ शुरू हुई है ना,
तब से तुम मेरी लाइफ हो। लेकिन किसी लड़की के साथ प्यार व्यार शादी वादी ये मेरे बस की बात नहीं है दादी। पूरब तू ही समझाना इसे। अरे पूरब तो खाना अपनी अरर की दादी। हाँ दादी आप ही समझाया इसे। कुछ नहीं हो सकता तेरा। ठीक है दादी करूंगा मैं शादी करूंगा मैं। सच्ची सच्ची सो स्वीट। लेकिन प्यार के लिए नहीं करूंगा दादी। नो कोई ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह हो जिसकी सोच बिल्कुल मेरी तरह हो और जो बिल्कुल मेरी तरह पैसों के लिए पागल हो उससे करूंगा शादी। और अब मैं उसी से शादी करूंगी जिससे प्यार करूं। अब मेरे लिए प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं कुछ भी नहीं। अरे आ जा तुम लोग यही आ जाओ। हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? नहीं इसमें डिस्टर्ब करने क्या बात है ये वक्त तो मेरे एंजॉयमेंट का है। रोगू तू भी ले ले। ये है आपका कफ सिरप? यही है मेरा स्पेशल कफ सिरप। वैसे आज पार्टी तो बनती क्योंकि सुरेश ने प्रज्ञा को पहली बार गुलाब का फूल दिया है। ये दोनों ना एक दूसरे को घास फूस ही देते रहेंगे और इनके बस का कुछ नहीं है। इसी स्पीड से अगर आगे बढ़ते रहे ना तो आई एम श्योर 40-50 साल में बात बन ही जाएगी। 40-50 साल क्यों लगेगी? मैं कहती हूँ कि अगले 3 दिन में ही सब कुछ हो जाएगा। और रियली आपके इस कॉन्फिडेंस का रहस्य तो बताइए माताश्री। तू इधर आ। पेपर में लिखा है कि अगले 3 दिन में सितारों की दशा ऐसी होने वाली है कि जिसके दिल में जो भी मुराद होगी ना वो पूरी हो जाएगी। जिससे जिससे भी प्यार होगा उससे वो मिल जाएगा। टूटे तारे को देख के मन में जो भी इच्छा रखोगे ना वो पूरी हो जाएगी। 100 साल में ऐसा एक बार होता है और वो अगले 3 दिन में होने वाला है। इन 3 दिनों में प्रज्ञा और सुरेश का भी कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है तभी जब हम कुछ प्लान बनाएंगे। परसों रचना का रुका है ना तो बस उससे पहले हमें अपने लव बर्ड्स का प्रपोजल करवाना है। रोके पे मौका मौके पे चौका। So ladies and girls, let the operation प्यार करो begin. प्यार भाई अभी तो ठीक नहीं कर रहा। अब क्या करूँ पूरा? मैं इससे स्लो नहीं चला सकता। अबे मैं गाड़ी की स्पीड की नहीं दादी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? रोज नींद की गोलियां खा रही है दादी। मान ले उनकी बात कर ले शादी। देख पूरा अगर तुझे इतनी जल्दी है ना तो तू कर ले शादी। कैसे? तेरे शोज तेरे अकाउंट्स तेरा काम कौन हैंडल करेगा ये सब? देख पूरब मैंने तुझसे पहले भी कहा है तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों मुझे गिर कर रहे तू? तू अपना बिजनेस संभाल उससे आगे बढ़ा। भाई चाहता तो मैं भी हूँ कि तेरा काम कोई और करे बट जब तक मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं मिलता जो तेरे काम और तेरे पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आई कांट लेट यू गो। मैंने प्रॉमिस किया है दादी से जो इफ यू वॉन्ट कि मैं अपने बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करूँ तो उसके लिए तू क्या चाहता है कि मैं शादी करूँ? नो वे। प्रॉब्लम क्या है? तू और तनु 6 महीने से साथ में हैं, just get married. तनु तेरे टाइप की लड़की नहीं है यार, वो बिल्कुल मेरे टाइप की लड़की है। उसे शादीवादी जैसी चीजें बहुत बोरिंग लगती है। You know what? Why I like her so much? क्योंकि वो बिल्कुल मेरी तरह है, उसकी सोच बिल्कुल मेरी तरह है। और सबसे खास बात पता है क्या है? उसे पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। आई लव इट। तू इतना लोड मत ले। ये देख वो रही तेरी गाड़ी। ठीक है बता दूंगा मैं दादी को फिर। Hey, you dare not. दादी को अपने सपनों में जीने दे और मुझे मेरे सपनों में। तो भाई ये चल क्या रहा है? गुलाब देने गया था बुलबुल को, दे आया प्रज्ञा को, फिर यहां खड़े होके गुड नाइट बोल रहे प्रज्ञा को। प्लीज चुप कर यार। सही तो बोल रहा हूं, एक बहन से प्यार दूसरी से इजहार बहुत गलत बात है भाई। इसीलिए क्योंकि तेरे हीरो ने तुझे आज फाइनली रोज दे ही दिया। बोल मुझे बात नहीं करनी। अरे क्यों क्यों बात नहीं करनी? वो ऐसे ही उसने ऐसे ही ये ले भाई।
तेरी तो भाई, तू तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मतलब कि तू हर रोज यहाँ खड़ा होकर प्रज्ञा के बहाने बुलबुल को देखता है। अरविंद ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो क्या है कि बुलबुल हर रोज रात को खाना खा के 10 बजे आती है और इसी वक्त मैं और प्रज्ञा भी एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं, तो फिर मैं हर रोज इसी बहाने उसकी एक झलक देख लेता हूँ और यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। तो फाइनली खिड़की की मिस्ट्री सॉल्व हो गई, पर भाई गुलाब की मिस्ट्री का क्या होगा? मतलब देख भाई, माना कि तू गुलाब बुलबुल को देने गया था, किन बुलबुल को लगा कि तूने प्रज्ञा को दिया है। इनफैक्ट प्रज्ञा भी यही सोच रही होगी, भाई कल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी से क्लियर कर दे कंफ्यूजन को। तू क्यों कंफ्यूज हो रही है यार, तू जानती ना वो कैसा है। थैंक गॉड एटलीस्ट उस ढीली पतलून को इतना तो पता है कि रेड रोज ना दिया किस लिए जाता है। आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर यू दी। आई नो उसको देने का ना तरीका गलत था, मेरे थ्रू दिया, बट इट्स ओके, उसे एक तो मौका देना ही चाहिए ना, वरना वो तो जिंदगी भर नहीं बोल पाता कि वो तुझसे प्यार करता है। प्रज्ञा क्यों ऐसा सोचेगी, वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वैसे भी मैंने उसे बता दिया है कि मुझे कोई पसंद है। और सोच, जैसी उसे मालूम पड़ेगा कि मैं बुलबुल से प्यार करता हूँ, तो यार वो सब हैंडल कर लेगी। इनफैक्ट वो बुलबुल को भी समझा देगी। और तुझे पता है अरविंद, उसे भी कोई लड़का पसंद है। क्या बोल रहा है? हाँ यार, उसने मुझे खुद बताया था। जो भी हो यार, मतलब क्लियर करने में कोई बुराई तो है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बुलबुल को डायरेक्टली जाके कह क्यों नहीं देता सब कुछ। भाई कंफ्यूजन में दोनों बहनें पड़ गई ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ यार, सही बोल रहा है अरविंद, मैं ना कल ही जाकर बुलबुल से सब सच बोल दूंगा।